हेलो गाइस, टेक्निकल ह्यूमन वॉइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपका जो कभी लैपटॉप में या कंप्यूटर में कभी कीबोर्ड खराब हो जाता है, आपको खाली माउस से काम करना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। क्योंकि कीबोर्ड हमारा खराब हो चुका है, लैपटॉप में हमारा कीबोर्ड खराब हो चुका है और वही बटन हमें दबाना है, तो वो किस तरीके से दबाएंगे उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल करने के बाद आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से आपको ओपन करना है। इसमें कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होता है, हिडन रहता है, आपको दिखता नहीं है वो कहाँ से ओपन होगा, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ, इसका नाम है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो कि आपके कंप्यूटर में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करके यहाँ पे इसका टाइपिंग दिखाता हूँ कि बिना कीबोर्ड के किस तरीके से यहाँ पे टाइपिंग होती है। देख सकते हैं आप, मेरा ये वाला कीबोर्ड ओपन हो चुका है, मैंने गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन करा है और जो कर्सर है ऊपर की साइड मतलब स्टार्ट है और मैं यहाँ पे ताजमहल यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ताजमहल जैसे टाइप करता हूँ, TAAJ स्पेस MAHAL। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे ताजमहल यहाँ पे टाइप कर लिया है बिना कोई कीबोर्ड के। यहाँ पे आप माउस से ही कीबोर्ड चला के एंटर भी बटन है, कैप्स लॉक, शिफ्ट कंट्रोल, जो भी आपके कीबोर्ड में रहते हैं वही बटन इसने माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे दे रखे हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी कैप्स लॉक हो, शिफ्ट हो, आपका कंट्रोल हो, कोई भी हो बटन यहाँ पे आप यूज़ करके बड़ी आसानी से इसको चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी, ये डाउनलोड करना है हमें या फिर हमारे कंप्यूटर में ही रहता है, कहाँ रहता है इसी के बारे में हम बताते हैं कि आपको कि कहाँ इस ये वाला हिडन फीचर आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ और क्लोज़ करके आपको बताता हूँ कि ये हमारे कंप्यूटर में कहाँ मिलता है। सबसे पहले आप नीचे की साइड यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर कोने में स्टार्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक करिए। स्टार्ट के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑल प्रोग्राम वाला ऑप्शन दिख जाएगा। ऑल प्रोग्राम वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एसेसरीज वाला ये फोल्डर है, इस पर आपको टैप करना है। आप एसेसरीज वाले ऑप्शन पे जैसे टैप करेंगे आपको नीचे की साइड एज ऑफ एक्सचेंज एक्सेस वाला ये वाला EASES ऑफ एक्सेस ये वाला फोल्डर जो है इस पर टैप करना है। आप जैसे इस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो हिडन था वो आपको दिख जाएगा। आपको इसको सिंपली अपने टास्क बार में या फिर पिन टू स्टार्ट मेनू या पिन टू टास्क बार इनमें ऐड कर लेना, ताकि आपको बार बार यहाँ पे फोल्डर में ना आना पड़े। पिन टू स्टार्ट मेनू में जैसे ही आप करते हैं तो आपके स्टार्ट मेनू में यहाँ पे शो होने लगेगा और पिन टू टास्क बार में करोगे तो आपके नीचे की साइड शो होने लगेगा। मैंने ऑलरेडी टास्क बार में यहाँ पे ऐड कर लिया था, ठीक है, और यहाँ पे मीनू में भी ऐड कर लिया था। आपको दिखाना चाहूँगा मीनू में ऐडने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यहाँ से ओपन करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं और टास्क बार में से करना चाहें टास्क बार में से भी आप सिंपली इस कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।